एवरीवन, ट्रू एचएसएससी मीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जानकारी क्या है ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हरियाणा सरकार में फिलहाल जो पुलिस भर्ती है वो तो कंप्लीट हो नहीं रही है, चाहे मेल कांस्टेबल की बात करें चाहे फीमेल कांस्टेबल की बात करें। लेकिन यहाँ आप देखें एक और खबर, लेकिन यहाँ पर आप इसमें देख पाएंगे कि हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती में धांधली को लेकर सरकार से जवाब तलबी। इसमें यहाँ आप देखें, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर की चयन भर्ती में प्रथम दृष्टया धांधली को देखते हुए अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट इस बात पर निर्णय लेगा कि क्या पूरी भर्ती को रद्द कर दिया जाए या फिर जिसके चयन में धांधली मिली है उस पर विचार किया जाए। अदालत ने सरकार को अगले हफ्ते अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि इसमें अधिकतर पुलिस इंस्पेक्टर वर्तमान में हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत है, और जिसका चयन हुआ यहाँ पर आप देखें तत्कालीन मुख्यमंत्री का भतीजा हरदीप सिंह भी इसमें शामिल है, यानी सभी रसूखदार लोगों के रिश्तेदार है वो। तो अब ये इसमें ये देखा जा रहा है कि सिर्फ उन लोगों को बाहर किया जाए या फिर पूरी भर्ती को ही इसमें रद्द कर दिया जाए। इसमें लिखित परीक्षा देखो 200 में से 145 अंक प्राप्त किए थे जिसने केस किया, वह लिखित परीक्षा में टॉपर था, लेकिन उसे इंटरव्यू में 25 में से मात्र 7 अंक दिए गए और उसे वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया, जबकि कम अंक वाले जो चाहते हैं वह इंटरव्यू में अच्छे अंक लेकर चयनित हो गए। तो ये एक मामला है। अब पूरी भर्ती पर तलवार लटकी हुई है, क्या कुछ रहता है वो भविष्य के गर्भ में है, बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना क्लियर है इस सरकार में अभी भर्तियां हो नहीं रही है, बल्कि जो पहले हैं उन पे खतरे काफ़ी मंडरा रहे हैं। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।